लैला मैं लैला लैला कैसी हूँ लैला, हर कोई मिलना चाहे मुझसे अकेला। सारा जमाना हसीनों का दीवाना, जमाना चाहे फिर क्यों, जमाना चाहे फिर क्यों, बुरा है दिल लगाना। ये दोनों गाने हैं जो मेरे दिमाग में घूम रहे हैं, और जब से दोनों गाने रिलीज हुए हैं मैं गाने उतना सुनता नहीं, आपको सच्ची बता दूं, लेकिन ये दोनों गानों ने सच में मेरा दिल जीत लिया है। मुझे दोनों गाने पसंद है, और कहीं ना कहीं जब कल रईस का जब सॉन्ग रिलीज हुआ लैला और लैला, ओ माय गॉड, जो पब्लिक पागल हुई, वो अभी तक वही जोन में है। और कहीं ना कहीं बहुत कम होता है जब यूट्यूब क्रैश हो जाता है किसी गाने की वजह से, तो उसके इतने ज्यादा व्यूज वगैरह सब आ रहे थे, कमेंट्स लाइक्स सब आ रहे थे कि उसका यूट्यूब ने व्यूज ही दिखाना बंद कर दिया। एक से एक कुछ 8 या 9 लाख पे शायद स्टॉप हो गया, जहां तक मैं देखा था उसके लाइक्स वगैरह जो ऑप्शन से वो भी कहीं ना कहीं पॉज हो गए थे, और कुछ इस तरह से आलम था कि यार उससे ज्यादा व्यूज दिखाई नहीं रहा था। अब कहीं ना कहीं 15-16 घंटे के बाद जो मतलब एज पर यूट्यूब के हिसाब से भी जो टाइम दिखा रहे ना, इतने पहले अपलोड हुआ है, इतने घंटे पहले, तो इन 15 घंटों में यूट्यूब पे लैला ओ लैला सॉन्ग, जो कि सनी लियोन का सॉन्ग है, और उन्होंने मतलब इस सॉन्ग ने करीबन करीबन जो व्यूज किए हैं अभी तक जो यूट्यूब के हिसाब से वो 56 लाख है, 56 लाख्स के ऊपर व्यूज किए हो गए हैं। और लाइक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, 1 लाख के ऊपर लाइक्स आ गए हैं, और डिसलाइक करीबन करीबन 8,000 डिसलाइक, कोई बुरी बात नहीं है, बहुत कम है अगर देखा है डिसलाइक के मामले में। और कमेंट सबसे इंपॉर्टेंट, इस कमेंट 10,000 से ज्यादा कमेंट्स आ चुके हैं इस गाने पर। मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि मैं अब बात करने वाला हूँ काबिल के सॉन्ग हसीनों का दीवाना की, जो 1 हफ्ते पहले रिलीज हुआ था 14 तारीख को, और रईस का आपको पता ही है 21 तारीख को रिलीज हुआ सॉन्ग। 14 तारीख को जब गाना रिलीज हुआ बचना है हसीनों, तो इस गाने में भी धूम मचाई, ट्रेंडिंग भी था नंबर 1 पर। ये गाने का फिलहाल थोड़ा बोलते हैं एकदम थोड़ी कमी हो गई है मतलब व्यूज के हिसाब से, बट स्टिल ये गाने को 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देख लिया है, 2 करोड़ 37 लाख कुछ इस तरह से आकर मतलब व्यूज है। और कहीं ना कहीं लेकिन ये देखो गाना रिलीज हुआ, गाना अच्छा भी है, लेकिन अगर लाइक्स के बारे में अगर बात करें तो काबिल का गाना कहीं ना कहीं काफी पीछे है। 1 हफ्ते बाद भी काबिल का अगर लाइक्स मैंने देखा, जो 92 लाख लाइक्स है, नहीं सॉरी सॉरी 92,000 लाइक्स है, 1 लाख भी लाइक्स नहीं हुआ। और वहीं अगर 15 से 16 घंटों की बात करें तो लैला ओ लैला सॉन्ग को 1 लाख के ऊपर लाइक्स है, तो ये एक समझ सकते बड़ा फैक्टर। वहीं 24 से 25 हजार आई थिंक डिसलाइक है जो सॉन्ग है इसको, हसीनों का दीवाना को, उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज्यादा बड़ा डिसलाइक है, और लैला ओ लैला सॉन्ग को सिर्फ 8,000 डिसलाइक है। तो आप समझ सकते हो लैला का और लैला सॉन्ग पॉपुलैरिटी के मामले में काफी ज्यादा फैंस को पसंद आया है। और एक और इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बता दूं, जो उसके कमेंट्स भी है, आई थिंक बचनाए हसीनो सॉरी बचनाए हसीने हसीनों का दीवाना सॉन्ग का, वो भी काफी कम कमेंट है। आपको जैसे आपको पता 10,000 कमेंट से ज्यादा है लैला और लैला सॉन्ग के, तो बचना हसीनों के आई थिंक 6 से 7 हजार कमेंट्स है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कमेंट्स के मामले में भी इतना ज्यादा कमेंट्स नहीं बटोरा है उर्वशी रौतेला के उस सॉन्ग ने जो फिल्म का है काबिल का। तो आप देख सकते हैं 15 से 16 घंटों में लैला ने जो धमाल मचाया है इंटरनेट पे, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पर, वो अभी तक ताबीज मतलब कायम है, और आने वाले दिनों में भी ये धमाल मचा रहेगा। और मुझे इसमें कोई डाउट नहीं कहने में कि लैला और लैला सॉन्ग ओवरऑल मामले में व्यूज के हिसाब से, लाइक्स के हिसाब से, कमेंट्स के हिसाब से बहुत आगे जाने वाला है, क्योंकि अगर 15-16 घंटों में ये हाल है कि 1 हफ्ते के पुराने वाले गाने को भी उसने नहीं बख्शा और इतना आगे निकल जाए, तो आप समझ सकते हो व्यूज के मामले में भी पीछे कर देगा हफ्ते भर भी शायद दी जाएंगे, 3 से 4 दिनों में कर देगा, क्योंकि ऑलरेडी यूट्यूब कई बार क्रैश हो चुका है, कई कंप्लेन आए, आप कमेंट्स में देखोगे तो उनके पता चलेगा। तो लेट्स सी किस तरह से गाना और आगे चलता है, लेकिन ये जो दोनों गाने हैं दोनों फिल्मों के, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट गाने हैं,
और इन दोनों गानों की वजह से फिल्म को काफी बज मिलेगा, पॉपुलरिटी मिलेगी। तो आपको ये दोनों गाने, मैंने पहले भी पूछा था आप लोगों से कल जो मैंने वीडियो बनाया था कि आप दोनों को, आप लोग कौन से गाने ज्यादा अच्छे लगे हैं और किस चीज़ों की वजह से, आपने भी अच्छे खासे कमेंट्स किए हैं। मैंने आपको तभी भी कहा कि मैं इसका व्यूज जो भी है, मेरी ओपिनियंस गानों को, दोनों गानों को लेकर मैं संडे तक दूंगा। तो आपको उस वही सेम सवाल इधर भी मैं पूछना चाहता हूँ कि आप दो लोगों को दोनों गानों के बारे में, मैंने अभी बताया दोनों गानों के व्यूज के बारे में बताया, तो आपको दोनों में से कौन सा गाना पसंद है, आप अपनी राय दे सकते हैं यहाँ भी इस वीडियो में भी। और साथ ही साथ ये भी मैं जानना चाहता हूँ कि कुछ और फैक्ट्स अगर आपके पास हो इन दोनों गानों से रिलेटेड, तो वो भी आप शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि वो हर चीज़ मैं वीडियो में कोशिश करूंगा इंक्लूड करने की, जो एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे सब आपके सिर्फ कमेंट्स पढ़ूंगा और उसके बाद आपकी जो राय है वो देखूंगा, उसके बाद मैं भी अपनी राय दूंगा दोनों गानों में से मुझे कौन सा पसंद आया। कल यही कहीं ना कहीं सभी ने पूछा, यार तुमने अपनी राय दी नहीं है भाई, तू अपनी राय क्यों नहीं दिया, तुमने दोनों गानों की बात करी, अपनी राय तो दे देता। मैं बोला यार मैं दूंगा राय, थोड़ा वक्त है भाई, क्योंकि अभी तो माहौल गर्म है, अभी और गर्म होने वाला है माहौल, और एक शायद संडे तक और ज्यादा धमाका होगा, और 31 दिसंबर तक तो वैसे भी ये गाना पार्टियों में बजने वाला है दोनों गाना, तो तब तक अभी वक्त है यार। लेकिन फिलहाल ये दोनों गाने ने धूम मचा दिए हैं और मैंने दोनों गानों को कम से कम दो दो बार, तीन तीन बार तो सुना ही है, और देखते हैं। मैं ज्यादा नहीं सुनता जैसे कि आपको कहा, लेकिन दोनों गाने मुझे पसंद है, तो मैं आने वाले दिनों में भी जरूर सुनूंगा, क्योंकि ईयरफोन लगा के सुनूंगा दोनों गाना, जो म्यूजिक बहुत मजा आया कसम से बता रहा हूँ आपको। तो कुछ और बॉलीवुड खबरें पेश हुई तो आपको जरूर बताऊंगा, और इन दोनों गानों के ऊपर जो मेरी व्यूज था आपको कैसा लगा, मतलब जो मैंने कंपैरिजन किया उसके बारे में भी आप चलिए तो आप बता सकते हैं। चलिए कुछ और बॉलीवुड खबरें पेश हुई तो आपको ऐसे ही बता दूंगा, चलिए तब तक के लिए बाय बाय।